नीचे मत देखो, राइट शोल्डर की तरफ देखो, श्वास लो छोड़ो, 1, 2, 3, 4, 5, exhale left side. कमर के टाइम भी जाना है, 13 मिनट बचा,
पेट के ऊपर सो जाओ। दोनों हाथों को स्ट्रेच करो और दोनों हाथ वन लाइन में होना चाहिए। एक दो जितना हो सकता है उतना स्ट्रेच करो, बट आपका जो लेफ्ट पैर है ना उसको ऊपर मत उठाना, लेफ्ट पैर को नीचे दबा के रखो। गर्दन बिना छोड़ो, ब्रेक करो, फोर गुड फाइव थ्री टू वन। वही से चलते चलते सेंटर में आ जाओ, बीच में। अभी दोनों हाथों को स्ट्रेच करो सेंटर में, चेस्ट आगे की तरफ लेके आओ और थोड़े नीचे रखो। पीछे से आपका जो ट्रंक है उसको ऊपर की तरफ उठाओ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इनके ऊपर आ जाओ, दोनों हाथों को स्ट्रेच करो, बराबर
कोड़ियों को बैठे बैठे नहीं होता है तो जबरदस्ती चलेगा। Thank you.
पैर को फैलाइए, विश्व पैर साथ में रखिए।
लंबा करो, फोरहेड और भी आगे टच करने की कोशिश करो। देखो ठीक है, अपना फोरहेड है ना यहाँ पर, इतना स्पाइन लगा था, आपका स्पाइन है देखो भी ऐसे ऐसे नहीं, चेस्ट का लेना ठीक है। थ्री स्पाइन लंबा कर रहे हो, टू वन रिलैक्स, इनहेल दोनों हाथ को स्ट्रेच करो ऊपर की तरफ, पश्चिम पूर्व उत्तानासना, एक्सहेल तो साउथ कर लो, हाथ पीछे रखो, शोल्डर में बैक करो, इनहेल अप सिंगल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वापस आ जाओ, इनहेल एक्सहेल रिलैक्स, तो स्ट्रेच कर लो दोनों हाथ को, स्ट्रेच करो लेफ्ट में, सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, अपनी राइट हैंड से लेफ्ट पैर को ऊपर से पकड़ो ठीक है, नीचे से मत पकड़ेगा, और लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करो और अपनी अंगूठे को देखना है, स्पाइन सीधा रहेगा ठीक है, सीधा बैठो आप लोग, चेस्ट ओपन करते रहो, सिक्स ब्रीथ नॉर्मली, नी स्ट्रेट रहेगा, फाइव फोर घुटना सीधा, घुटना सीधा होगी, थ्री टू वन, वापस आ जाओ, इनहेल उस पर प्रेस करो, सीधा सीधा बैठो, जितना सीधा कर सकते हो, बना लो पहले, आपका लेफ्ट पैर है तो लेफ्ट हैंड ही आएगा ठीक है, आप उसे ध्यान दें, तो उसको पकड़ लो और पैर को पीछे जितना हो सकता है उतना ही, जबरदस्ती नहीं करना, जबरदस्ती करेगा बैक पेन आएगा, फोर सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, अभी धीरे से दोनों हाथ से फोर एट के पास सीधा बैठो, आगे की तरफ झुको मत और नीचे मत देखो, ऊपर की तरफ देखो, नजर ऊपर, सिक्स फाइव फोर थ्री टू
अष्टांग विन्यास का सूर्य नमस्कार ए करेंगे, ठीक है, सिंपल आपको मुझे फॉलो कर सकते हो। दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ बदल रहे हो सामने की तरफ, शोल्डर बदल पैट करो, हल्का सा पेट अंदर की तरफ इनहेल कर रहे हो दोनों हाथ ऊपर का, अत्यधिक को प्रेस करो, एक्सहेल करते हो विंडो चला देते हो। हाथ मैट पे रखने की कोशिश करो, मैट पे नहीं होता है तो नी बेंड करो, उसके बाद हाथ हल्का सा नीचे करो, बस इनहेल सामने की तरफ देखो, स्पाइन लंबा करो, पेट अंदर की तरफ करो, एक्सहेल नी बेंड करो, तो ध्यान नीचे करो, दोनों पैर पीछे की तरफ करो। यहाँ पर रुको थोड़ी देर, चेस्ट ऊपर करो, प्लैंक बराबर करो, दोनों पैर एक साथ रखो, एल्बो बेंड मत करो, प्लैंक बराबर करो, माधुरी अब आपने पश्चात से कर दो, प्लैंक करो, चेस्ट ऊपर करो, एंटी कैट करना है यहाँ पर आपको, नी नीचे रखो, अभी अभी आश्चर्य नहीं करना है, ठीक है, देख लो पहले मुझे बाद में आपको धीरे से चतुरंगा करो, आपसे नहीं होता ना सो जाना, एक्सेल करते हुए नीचे ऐसा सो जाना, ठीक है, ये दो देख लो हम बराबर है चेस्ट के पास, और पैरों में डिस्टेंस दे लो, उसके बाद ऊर्ध मुख श्वास, ओके, नीचे रखो धीरे से, चतुरंग का हाफ चतुरंग में डिस्टेंस ले लो, इनहेल ऊर्ध्वमुख स्टेप करो, एक्सहेल अधोमुख, दोनों पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस ले लो, इनहेल सामने की तरफ देखो, वॉक करो, एक्सहेल आगे चलो, हेड डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल इनहेल अप,
you forward. Inhale again. That's it. Exhale. Both legs back. Inhale. Thank you.
और भी आप डिस्टेंस कम करो, आप फिर बराबर ओके थोड़ा है सबसे, हाँ नी आगे की तरफ नहीं आना चाहिए, ठीक है, घुटना आगे की तरफ नहीं आना चाहिए, बराबर आपके शोल्डर लाइन पे ही घुटना होना चाहिए, ठीक है। इंगेज करो दोनों हाथ ऐसे क्रॉस करो, सीधे करो
फैमिली रखते हो अच्छे से चेस्ट के प्रेस करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, उसी तरीके से सिक्स सीधे खड़े हो, एक ही पॉइंट पे देखो, फाइव फोर थ्री टू वन, फिर से करो, इनहेल एक्सहेल, सीधे खड़े हो, एक ही पॉइंट पे देखो, फोर थ्री बॉडी का वेट मैट पे छोड़ो, पीछे का जो गर्दन है उसको भी मैट पे छोड़ दो, पूरा स्पाइन मैट